प्रिय विद्यार्थी हूँ। मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम इन ई लेक्चर्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं कि अभी तक हमने किन किन ई लेक्चर्स बनाए, कौन कौन से ई लेक्चर्स बनाए हैं, क्या क्या बनाए हैं, इन सारे पे हम ई लेक्चर बना रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अधिक से अधिक देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि आप इन रिविजन्स को भी देख रहे हैं और कुछ क्वेरीज आती है मेरे पास, वो तो अच्छा लगता है कि आप स्टडी कर रहे हैं। यही आपका समय है, इस पे ही आपको डट के बैठना है और आपको इन रिविजन्स को भी देखना है, आपके सबमिशन फाइल्स को भी कंप्लीट करना है। तो आप अधिक से अधिक इन लेक्चर्स को देखें और अभी जो रिविजन चल रहा है अपना जो ई लेक्चर्स का, उसको भी आप अधिक से अधिक देखें। तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इन रिविजन्स से आपको समझ में आ सकती है। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम अंतराल तक की बात करी थी, अंतराल स्पेस डिवीजन क्या होता है। तो अंतराल विभाजन का ये है कि अंतराल विभाजन जो है वो दो प्रकार की प्रथाएं, दो प्रकार की वर्गीकरण कर सकते हैं, विभक्तियां प्रचलित है, फॉर्मल डिवीजन और इनफॉर्मल डिवीजन, सम विभाजन और असम विभाजन। और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है स्वर्णिम विभाजन पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन। इस प्रकार के अंतराल विभाजन सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं जिसमें एकता और रोचकता दोनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं। और विश्व के प्राचीन कलाकारों ने इस प्रकार के अंतराल विभाजन का प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। स्वर्णिम विभाजन कला रचना में उस गणितीय संबंध को कहा जाता है जिसमें चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि सबसे छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो जो बड़े भाग का संपूर्ण विभाजन से हो। और इसके अंतर्गत चित्रभूमि के अंतराल में रूप व्यवस्था के बारे में बात करी कि कलाकार कलाकृति की रचना करते समय कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है जो इस प्रकार है, अति आच्छादित तल, आकार में विभिन्नता, आकार की स्थिति, रेखीय क्षयवृद्धि और वातावरणीय क्षयवृद्धि आदि का प्रयोग करता है। और अंतराल का महत्व के बारे में बात करी, सभी कला के तत्वों का ये तो इस प्रकार से अंतराल का कुछ महत्व के बारे में बात की थी और समस्त कलाओं का आधार है इसके बारे में चर्चा की थी। और विभिन्न कलाकार, मैंने इसमें ये भी बताया था कि कलाकार को अपने स्पेस के साथ में, विभाजन के साथ में आपको ये अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, पेंसिल के साथ में, आपकी A4 शीट के साथ में बिल्कुल प्रयास करते रहना चाहिए जिससे कि ये आपका कौशल और अच्छी तरीके से निखर सके। तो इस बारे में मैंने PDF नोट्स और लेक्चर के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था। इसके पश्चात संयोजनों के सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा की थी और संयोजन के सिद्धांत जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें आपको ये लेक्चरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि संयोजन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन क्या होते हैं। तो मैंने इसमें एक सबसे अच्छी बात लिखी थी कि आकारत कला के मूल तत्वों की विवेचना का ज्ञान होने मात्र से चित्र रचना का निर्माण संभव नहीं है। चित्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में चित्र संयोजन का विशेष महत्व है जिससे कलाकार सुंदर से सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करता है। कलाकार विभिन्न भाषित अभाषित अनेक रूपाकारों के बुद्धि चातुर्य से रेखाओं एवं पोत आदि के सहयोग से मनभावन संयोजन तैयार कर भावों का साकार रूप प्रदान करता है। तो संक्षेप में जो है बात है, दो या दो से अधिक कला तत्वों की संतुलन या सामंजस्य जो है वो संयोजन कहलाता है, इसके बारे में बात की थी। तो किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करने में संयोजन के सिद्धांतों को ही मुख्य आधार माना जाता है। तो संयोजन के सिद्धांत इस प्रकार है।
सहयोग यूनिटी, सामंजस्य हार्मोनी, संतुलन बैलेंस, प्रभाविता डोमिनेंस, प्रवाह रिदम और प्रमाण या अनुपात। तो इसके बारे में मैंने बात की थी आपको। तो सबसे पहला आपको संयोजन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो संयोजन के संयोजन से जो तात्पर्य है कि संयोजन के अंतर्गत प्रयोग में आने वाली विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में समा जाए, अर्थात कला के मूल तत्वों का एक दूसरे के साथ एकत्व का भाव रहे, यूनिटी जिसको बोलते हैं वो भाव रहे, और सहयोग का उद्देश्य चित्र को अनेकों आकर्षण केंद्रों से बचाना है और प्रत्येक चित्र का अपना एक लक्ष्य होता है, तभी चित्र में सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। तो ये प्रकार ये मैंने चीज़ें आपको उसमें भी बताई थी, लेक्चर में भी बताई थी। तो इस प्रकार सहयोग का एकता का स्वरूप कैसे होता है वो आपको समझने की आवश्यकता है। सहयोग का उद्देश्य सहज दृष्टिकोण को प्राप्त करना है और कलाकार अपने माध्यम के तत्वों का, जैसे संगीतकार स्वरों का, कवि शब्दों का, नर्तक भाव भंगिमाओं का, मूर्तिकार पत्थर अथवा अन्य माध्यमों आदि के परिमाप व चित्रकार चित्र के तत्वों, जैसे हमने पहले की लेक्चर्स में पढ़ा है रेखा रंग रूप तान पोत और अंतराल आदि का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करता है कि कृति विशेष में एकता या सहयोग का भाव उत्पन्न हो। किसी कृति का दृश्य रूप ही उसका आधार है। एकता एक कलाकार दृश्य रूप की कलात्मकता से आकर्षित होकर सफल सृजन कर सकता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और किसी रचना में सहयोग के दो स्वरूप हो सकते हैं, एक सक्रिय एक तो दूसरा निष्क्रिय। एक प्रभावपूर्ण तथा क्रमिक उतार चढ़ाव से युक्त रचना सक्रिय सहयोग का उदाहरण कही जा सकती है। किसी भी आकार के विभिन्न उपादान होते हैं किंतु उनका भाव एक के होने से कृति में आकर्षकता उत्पन्न होना होता है। इसके विपरीत निश्चित आकार निश्चित रूपाकार वर्ण वाली रचना एक निष्क्रिय सहयोग का सृजन करती है। ये संयोजन ज्यामितीय आकारों निश्चित आकारों एवं पुनरावृत्ति वाली रचनाओं पर आधारित होते हैं। सहयोग का यह स्वरूप आदिम अलंकरण अथवा वस्त्र संबंधी डिजाइनों में अधिकांश देखे जा सकते हैं। तो किसी भी रचना में करने के कई नियम हो सकते हैं जो भी मैंने आपको डिटेल में बताए थे। और चित्र संयोजन में सहयोग के लिए विरोधाभास का महत्वपूर्ण महत्व होता है, विरोधाभास का बहुत महत्व है। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार फिर सामंजस्य की बात की, दूसरा आपका जो है संयोजन के सिद्धांत में सामंजस्य। तो इसमें कला के जो मूल तत्व होते हैं जैसे रेखा रंग रूप तान पोत अंतराल आदि का पारस्परिक समन्वय ही सामंजस्य कहलाता है। और जहाँ सीधे अर्थों में जहाँ पर कला के तत्वों का मेल दिखाई दे वही सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है। अतः सामंजस्य परस्पर विपरीत तत्वों स्थितियों के मध्य की व्यवस्था है जिसमें दोनों के कुछ अंश दिखाई दें एवं दोनों का परस्पर समावेश हो। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो इसका कला रचना के अंतर्गत सामंजस्य के स्वरूप को समझने के लिए उससे जुड़ी दो स्थितियों पर विचार करना अति आवश्यक है, कला तत्वों की पुनरावृत्ति रिपीटेशन और कला तत्वों में विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट। और ये दोनों ही स्थितियां जो है वो पूर्णतः विपरीत वाली है। कला तत्वों की पुनरावृत्ति कला रचना में समानता व सहयोग की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि कला तत्वों में विरोधाभास होने से इसकी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है। सामंजस्य जो संयोजन का सिद्धांत है वह इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। किसी भी कलाकृति के विस्तृत अंगों में सामंजस्य को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। सामंजस्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनी, तो एक आवश्यक कला सिद्धांत माना जाता है। और कलाकार परंपराओं के अनुरूप या कलाकार परंपराओं से भिन्न भी जटिल संयोजनों की अपेक्षा कई कलाकारों का समन्वय एवं सामंजस्य करता है जिससे दर्शक सामान्य रूप से किसी कृति का आनंद ले सके। सामंजस्य कलाकृति में उन रुचिकर या चित्ताकर्षक संबंधों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है
जो दर्शक को सौंदर्य एवं अनुभूति कराते हों। इस संदर्भ में सामंजस्य का किसी कलाकार के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बारे में बात की थी हमने। फिर हमने सामंजस्य जो हारमोनी जो बात कर रहे हैं हम, तो अंतर्गत सभी कला तत्व अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो रेखा का सामंजस्य, इस प्रकार के सामंजस्य को तीन प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। आवृत्ति रेखाएं, ये रेखाएं कलाकृति में गति का भाव उत्पन्न करती है। अवरोधक रेखाएं, निरंतर विपरीत दिशाओं की ओर जाने वाली ये रेखाएं अवरोध उत्पन्न करती है। संधि रेखाएं, जो रेखाएं गतिरोध में संधि का भाव पैदा करती हो संधि रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार इन रेखाओं के पर्याप्त संयोजन से कलाकृति में सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है। रूप सामंजस्य, किसी भी कलाकृति में दो या दो से अधिक रूपाकारों का समावेश होता है, जैसे कि पहला है मुख्य आकार, दूसरा है सहायक आकार। कलाकार किसी भी कलाकृति में कलाकार आकारों को इस प्रकार स्थापित करता है कि वह आकार परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि बड़ी आकृतियां चित्रतल के आकार के अनुरूप अधिक विरोधी स्वभाव की न हो। अमूर्त आकारों में भी प्रमुख और सहायक रूपाकारों में, तो हम पोत की बात कर रहे थे, तो इसमें रूप सामंजस्य की बात हुई हमारी, और उसके बाद में पोत सामंजस्य। तो कलाकार अपनी कला रचना में आकारों में विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण कर कृति में विशेष आकर्षण पैदा करता है, जो कृति की अपनी निजी विशेषता है। इसमें कलाकार को यह ध्यान रखना होता है कि प्रयुक्त विभिन्न पोत एक दूसरे से मेल खाते हों और कृति में सामंजस्य का आकर्षण उत्पन्न करते हों। और रंग सामंजस्य जो है वो यह किसी भी कलाकृति का महत्वपूर्ण घटक होता है। कलाकार बड़ी सावधानी से रंगों का चयन कर अपनी कृति को विशिष्टता प्रदान करता है। अधिकांशतः निकटवर्ती या समीपवर्ती रंगों के प्रयोग से एक लय व रस पैदा किया जा सकता है। अधिकांश यह कार्य कलाकार को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। रंग सामंजस्य कलाकार कई प्रकार से करता है, यह उसकी रुचि को पर्याप्त प्रदर्शित करता है। इस पूरे विवेचन से हम पाते हैं कि संयोजन के सिद्धांतों में सामंजस्य का अपना ही अलग महत्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रिवीजन चल रहा है, ये आप अधिक से अधिक इस रिवीजन को देखें, सुनें, समझें। यदि कोई किसी प्रकार की आपको क्वेरीज है, कोई समस्या है, इसीलिए इस बात को भांपते हुए मैंने, इस बात को समझते हुए मैंने आगे के लेक्चर जो थे वो मैंने स्टॉप करके, मैंने जो अभी तक जो ये लेक्चर बनाए हैं, अभी तक जो पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, उसकी समराइज मैंने इन शॉर्ट 2-3-4 ये लेक्चर्स में बताने का प्रयास किया है, जिसको आप अधिक से अधिक देखें। यदि और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं। और आपको जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, उन असाइनमेंट्स को भी आप पूरा करेंगे तो आप निश्चित रूप से इस की फर्स्ट ईयर की आपके जो पाठ्यक्रम से जुड़ी जो परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं हैं, उनमें आप अच्छे से अच्छे पास नंबर ला के पास हो सकते हैं। और ये जो ई लेक्चर से हैं, आप जब को भी आपको समय मिले तो आप इनको अधिक से अधिक देखें, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको डायग्राम्स वगैरह सबके साथ में भी मैंने ये बताने का, मेरी मेहनत से, मेरे लगन से आपको ये समझाने का प्रयास किया है मैंने। कोरोना काल में जितना बेस्ट हो पाता है, जितना मैं कर पाता हूँ, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे तरीके से लर्निंग रहे, आपको अच्छे तरीके से याद रहे और आप अच्छे मार्क्स रहे। आपको कला संबंधी जो बेसिक जानकारियाँ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको आगे जब भी अध्ययन करेंगे तो ये आप अगर आपकी बेसिक फंडामेंटल्स आप अगर आपके टॉपिक्स अगर अच्छे क्लियर हैं तो आप निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को आप आत्मसात कर पाएंगे कि किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें, सुनें, समझें। और आपके सबमिशन जमा कराने का समय नज़दीक आ गया है, तो आपको मैंने सबमिशन के बारे में बताया है कि 100 से 150 स्केचेस आपको जमा कराने हैं, जिसमें सजीव और निर्जीव वस्तुएं होंगी, और फर्स्ट ईयर के लिए स्टिल लाइफ
पांच स्टिल लाइफ वस्तु चित्रण, जिसको तीन वस्तुएं कम से कम होनी चाहिए उनका लाइट एंड शेड कलर के द्वारा बनाना है आपको। और उसके बाद में तीन शीट आपको पेंसिल शेडिंग करके बनानी है वस्तु चित्रण, वो हाफ इंपीरियल शाइज, जो पूरी शीट होती है उसको आधी शीट, जो पूरी ड्राइंग शीट होती है उसकी आधी शीट पे आपको ये ड्रॉ करना है और आपको बनाना है आपको, जिससे कि आपके सबमिशन के जो मार्क्स है, जो 30 नंबर का जो मार्क्स है, ये आपको हो सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आपको ये सब चीज़ें बनानी है। थैंक यू वेरी मच।